नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विभिन्न भर्तियों के बारे में सारे अपडेट्स दिए जाते हैं, चाहे वो कोई नई भर्ती हो या भर्ती से संबंधित कोई अधिसूचना इत्यादि। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, IBPS ने निकाली हैं बहुत सारी भर्तियाँ बैंकों में, मार्केटिंग ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर, IT ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, इनके बारे में क्या योग्यता है, कब से इसके आवेदन लिए जाएंगे, क्या लास्ट डेट है, इसकी पूरी बात करेंगे। और फिर जो दूसरी वैकेंसी है वो कैनरा बैंक से 800 बैंक PO की भर्ती निकली हुई है, उसके लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं, उसकी भी बात करेंगे। और फिर एक भर्ती आने वाली है नवंबर में, कर्मचारी भविष्य निधि EPFO, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये भारत का सबसे बड़ा संगठन है सरकारी, इसमें 4000 पदों की भर्ती। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में ये घंटी है इस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी किसी भर्ती का कोई अपडेट होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को करंट अफेयर्स, विभिन्न भर्तियों के बारे में सारे अपडेट्स इत्यादि दिए जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैनरा बैंक PO रिक्रूटमेंट की। तो दोस्तों, कैनरा बैंक ने बैंक PO के 800 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है, और जिसमें से 404 पद जो हैं ये जनरल यानी कि सामान्य वर्ग के होंगे। 13 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, ये आप लोग याद रखिए। और आवेदन करने की जो आयु है, अधिकतम आयु है, वो दोस्तों 30 वर्ष है। और एक चीज़ और है कि ग्रेजुएशन में 55% अंकों के साथ में ग्रेजुएट होना चाहिए। और इसकी जो ऑनलाइन परीक्षा है दोस्तों, वो 23 दिसंबर, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत ही कम समय, केवल 2 महीने का समय है। और एक चीज़ और इसमें कि इसमें जब सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद में एक कोर्स करना होगा, बैंकिंग एवं वित्त में स्नातकोत्तर यानी PGD BF। तो खैर, वो बात की बात है, पहले आप लोग सिलेक्शन लीजिए, वो तो हो ही जाएगा। तो दोस्तों, ये एक अच्छी भर्ती है, इसके लिए आप लोग इसकी आज ही आवेदन कर दीजिए। जो लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा अवसर है। इसके बाद में IBPS यानी कि बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, इसने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें बहुत सारे पद हैं और सबकी अलग अलग योग्यता है, पूरी बात करेंगे इस वीडियो में। और इसके जो आवेदन हैं वो 6 नवंबर से लिए जाएंगे और लास्ट डेट रहेगी 26 नवंबर। और इसके जो एग्ज़ाम हैं वो 29 और 30 दिसंबर को होंगे, और जो पद हैं वो हैं IT ऑफिसर Scale 1। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है ये, इसके 219 पद हैं। और फिर मार्केटिंग ऑफिसर Scale 1, तो 302 पद हैं। और HR, तो ह्यूमन रिसोर्स पर्सनल ऑफिसर 81, उसके बाद में IT ऑफिसर Scale 219, जो लोग BTEC किए हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से उनके लिए ये पोस्ट है, और जो लोग LLB किए हुए हैं लॉ ऑफिसर के 75 पद हैं। उसी तरीके से राजभाषा अधिकारी Scale 1, तो इसके पद हैं 69, जिनका हिंदी के साथ में और इंग्लिश के साथ में ग्रेजुएशन है, तो वो लोग राजभाषा अधिकारी के लिए आवेदन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। और उसके बाद में फिर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की पोस्ट है, 853 पोस्ट हैं दोस्तों, बहुत भारी पोस्टें हैं। इसमें जो लोग एग्रीकल्चर से स्नातक हैं उनके लिए एक बड़ा अवसर है, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये IBPS की जो वेबसाइट है, आप लोग वहाँ पर जाकर ये आप देख सकते हैं, ये cgrs.ibps.in, यहाँ पर आप लोग जाकर के इसको देख सकते हैं कि कौन कौन सी पोस्टें हैं। ये सब ऑफिसर लेवल की पोस्टें हैं, Scale 1 की पोस्टें हैं। और जो मार्केटिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है, इसमें MBA मांगा है, और वही HR वाले में भी MBA मांगा है। लॉ ऑफिसर की जो पोस्ट है, इसमें भी LLB मांगा है। राजभाषा अधिकारी में मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को कि हिंदी और इंग्लिश के साथ में स्नातक। और एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जिसकी लगभग 850 पोस्ट हैं, इसमें AG से ग्रेजुएशन, कुछ और भी इसके विकल्प हैं, समकक्ष है, अभी वो भी देख लेंगे हम लोग। और IT ऑफिसर के लिए, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिन्होंने BTEC किया हुआ है उनके लिए ये अब पद हैं।
जो महत्वपूर्ण डेट हैं वो भी देख लीजिए, आपकी 6 तारीख से इसके आवेदन लिए जाएंगे, 26 तारीख लास्ट डेट है, फीस जमा करने की भी 6 से शुरुआत हो जाएगी और 26 लास्ट डेट है, और इसकी जो प्रीलिमिनरी मतलब प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो दिसंबर 2018 में 29 और 30 तारीख को, और इसके बाद में एक मेंस की भी परीक्षा होगी, ये दिया हुआ 27 जनवरी। तो ये आप लोग इसको देख लीजिएगा, आवेदन भरने के पहले एक बार आप लोग अच्छी तरीके से ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी देख लीजिए। अगर आयु की बात करें तो सभी पोस्ट जितने भी पोस्ट हैं मिनिमम आयु 20 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु 30 वर्ष, और ये आप लोग देख लीजिए आईटी के लिए दिया हुआ इसमें 4 ईयर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आईटी में, और इसी तरीके से एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए भी दिया हुआ 4 ईयर्स ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एनिमल हस्बेंड्री वेटरनरी साइंस डेयरी साइंस फिशरी साइंस, तो ये सब दिया हुआ आप लोग पूरा पढ़ लीजिए। और राजभाषा अधिकारी के लिए भी है 20 से 30 आयु है ग्रेजुएशन जो मांगा है हिंदी विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन संस्कृत विद हिंदी एंड हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट द डिग्री यानी ग्रेजुएशन लेवल। तो इसी तरीके से लॉ ऑफिसर के लिए दिया हुआ है 20 से 30 आयु है बैचलर डिग्री LLB इनरोल्ड होना चाहिए एज ए एडवोकेट विद बार काउंसिल में, और HR यानी कि पर्सनल ऑफिसर 20 से 30 और ग्रेजुएशन ये लिखा हुआ है HR में। तो नीचे भी दिया हुआ मार्केटिंग ऑफिसर इसके लिए MBA की पोस्ट है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग अपनी योग्यता के हिसाब से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके बाद में हम लोग बात करेंगे केंद्रीय भविष्य निधि, ये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ये भारत का कर्मचारियों का सबसे बड़ा संगठन है और पूरी तरीके से सरकारी संगठन है। इसमें लिखा हुआ है, ये आज ही का पेपर है, कि PF विभाग में होंगी 4000 SSA की नियुक्ति और नवंबर में इसके आवेदन लिए जाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में 4000 सामाजिक सुरक्षा सहायक की नियुक्तियां जल्द की जाएंगी, एजेंसी तय कर ली गई है, 1 महीने के भीतर इसके लिए विज्ञापन जारी हो जाएंगे। तो दोस्तों ये भी एक बड़ा मौका है, इसमें जो है अभी तक जो पिछले एग्जाम हुए हैं उसमें 18 से 27 साल एज मांगी जाती रही है, स्नातक मांगा जाता रहा है, तो विज्ञापन आने दीजिए, पूरी डिटेल मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों कुछ बातें और जान लीजिए कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्या है। ये भारत की राज्य प्रोत्साही अनिवार्य अंशदायी पेंशन बीमा योजना प्रदान करने वाला संगठन है और यह विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और बाकी सारी जानकारी आपको ये जो वेबसाइट है epfindia.gov.in आपको यहाँ से मिल जाएगी, इसी वेबसाइट पर इसके लिए आवेदन मांगे जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये रही आज की अपडेट, और इसी तरीके की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको इस तरीके की सूचनाएं अच्छी लगती हैं तो लाइक तो कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।